टिश्यू का जो है, टिश्यू का कंसेप्ट कैसा है, जो इसको चिपका हुआ है, जो इसको चिपका हुआ है वो न्यूक्लियस को चिपकने वाला, ये इसको चिपका हुआ है, कंसेप्ट कैसा रहता है, ये चिपका हुआ है, ये समझ रहे, ये चिपका हुआ भाग, ये चिपका हुआ है, इसको पलटी कर दिया ऐसा हो गया, ठीक है, समझ गए, ये टिश्यू है, ये पलटा हुआ टिश्यू, ये आ गया इसमें, जो नहीं पलटा हुआ ऐसा आएगा, मतलब दोनों भाग टिश्यू को लग गए, टिश्यू को लगना जरूरी है, टिश्यू को अगर चिपकेगा नहीं उसका मोती नहीं बनेगा, उसको टाइम लगेगा, ठीक है। अब इसमें अल्टीपल्टी का कैसा कंसेप्ट है, अगर ये अल्टीपल्टी का सब्जेक्ट नहीं रहता तो आप जो अंदर इसको खोल के अंदर डाल रहे हो वो तो बाहर डाले तो भी बन जाते जो ना, अल्टीपल्टी इसलिए कर रहे हैं कि इसको जब अंदर खोलते हो तो अंदर इसलिए डालते हैं, अगर ये कंसेप्ट नहीं रहता अल्टीपल्टी का तो आप बाहर भी डाल सकते थे, बाहर भी मोती बनने को ना, लेकिन टाइम ज्यादा लगता है, बाहर बाहर मोती कहाँ बनेगा, ये मोती तो अंदर का भाग ही बना रहा है, हाँ, अंदर का भाग ही मान रहे हो तो दोनों साइड वही होना चाहिए, हाँ, अंदर वाला भाग ही दोनों साइड, हाँ, जैसे ये खुल रहा है सेल खुल गया, आप ऊपर भी डाल सकते अगर बनता तो, अगर अल्टीपल्टी का सब्जेक्ट नहीं रहता तो ऐसी जैसे खुल रहा है पेट है उसका वहां भी डाल सकते, वहां भी होना चाहिए था लेकिन वहां नहीं होगा क्योंकि अल्टीपल्टी का सब्जेक्ट है, इसलिए जब इसको टिश्यू खोलने के बाद ही अंदर में आ सकता है, समझ गए, क्लियर समझ गए ना, चिपका और इसको सेल को जो चिपका हुआ है वही चिपकने को होना टिश्यू को, ठीक है, ओके।